हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, उसकी हर एक चीज़ को मैंने डिस्क्राइब करी है। अब उसके क्वेश्चंस के जो किस तरह के क्वेश्चंस मेजरमेंट ऑफ एंगल से पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोस में बताए हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं कि रेडियन से डिग्री फाइंड करते हैं और डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और उससे जुड़े हुए कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 12th 11th में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात कि उसका यूज़ हम लोग IIT JEE इंट्रेंस फाउंडेशन अनदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी उसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस हमारा किस रूप में आता है, कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को जो है वो डिस्कस करता हूँ IIT JEE मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स क्लास 11th एंड 12th एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि क्वेश्चन जो फर्स्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल आर इन AP, द नंबर ऑफ डिग्री इन दी लिस्ट लिस्ट इज टू द नंबर लिस्ट इज टू द नंबर नंबर ऑफ रेडियन रेडियन इन दी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट एज 60 इज टू पाई फाइंड दी एंगल्स इन डिग्री। राइट, ये क्वेश्चंस हमारा जो है वह पूछा जाता है। तो इसमें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टेक्स होता है और हमारा तीन एंगल होता है। और यहाँ पर क्या कहता है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैंने लिया थ्री वर्टेक्स ए बी एंड सी। अब थ्री एंगल्स का जो AP में है, इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल ए ये होगा, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा ए माइनस डी डिग्री होनी चाहिए, ये हमारा ए डिग्री होना चाहिए और ये हमारा ए प्लस डी डिग्री होनी चाहिए। राइट, तो ये अगर मैं ले सकता हूँ कि एंगल्स आर इन AP सॉल्यूशन में, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP मीन्स ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री एंड ए प्लस डी डिग्री हमारा जो है वो हमारा गिवेन है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करनी है, द सम। तो पहले तो हमने क्या किया, यहाँ से तीन डिग्री है दे रखा है, मैंने तीन डिग्री निकाल लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के थ्री एंग सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो देयर इज अ 180 डिग्री हियर। सो नाउ ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, राइट, सो दिस इज एंगल 3A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या मिला, 60 डिग्री मिल गया, लेकिन मुझे अभी भी डी पता करना है,
क्योंकि हमें डी नहीं पता है, हमें डी पता करना है कि डी क्या होगा। सो मैं एंगल्स आर, अब मैं लिख सकता हूँ कि दिस एंगल्स आर मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, 60 माइनस डी डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री हमें मिल जाएगा, राइट। क्या क्या मिला, जब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल जो है एपी में है, तो एपी में है तो थ्री साइड्स थ्री डिजिट के लिए क्या लिया जाता है, थ्री टर्म्स के लिए लिया जाता है ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। तो ये तीन एंगल्स हैं और वो भी क्या है, एपी में है। तो जब एपी में है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस डी, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पर सम करी तो तीनों एंगल का सम करी तो 180 डिग्री आया। वेन एवर द सम इज 180 डिग्री दे विल बी फाइंड, वी विल फाइंड एंगल ए, सॉरी ए, ए इज 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मैंने अनदर एंगल डी निकालने की कोशिश करी कि कॉमन डिफरेंस जो है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सबके कांस्टेंट होते हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमें 60 माइनस डी एंगल मिला, 60 डिग्री मिला और 60 प्लस डी डिग्री मिला। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द रेडियन इन द ग्रेटेस्ट 60 इज टू पाई फाइंड द डिग्री, यही कहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नंबर जो है यहाँ पर कह रहा है कि रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो ओके, हम लोग उसको करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 60 प्लस डी डिग्री है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस डी डिग्री इन टू पाई अपॉन 180 डिग्री, यही हो गया, पाई अपॉन 180 डिग्री मुझे निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या निकला, रेडियन में निकल गया, ठीक है। अब जब रेडियन में निकला तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि रेडियन में आया तो मुझे लिस्ट और ग्रेटेस्ट के कंपेयर में, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 माइनस डी डिग्री और ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ से रेडियन में क्या है, 60 प्लस डी डिग्री, ठीक है, इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशियो क्या दे रखा है, 60 अपॉन पाई, ये दे रखा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, राइट। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो मैं यहाँ से इसको, यहाँ से सॉल्यूशन इसका निकालता हूँ, ये आपके डी निकल जाएगा। तो डी, आपका डी निकल जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 माइनस डी डिग्री इंटू 180 डिग्री ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस डी डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये थ्री टाइम्स में कट गया और ये यहाँ पर क्या हो गया, 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, सॉरी 3, तो यहाँ से मिला 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री माइनस 3D इज इक्वल्स टू 60 प्लस डी डिग्री। तो यहाँ से कितना होगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 4D, देयरफॉर 120 इज इक्वल्स टू 4D, सो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो D कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल क्या मिलेगा, तो मैं अगर 60 में से 30 माइनस करूँगा तो यहाँ पर A माइनस D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री ऐड करूँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ये जो है 30, 60, 90, ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। सो यहाँ कॉमन डिफरेंस 30 है, तो हमारा जो एंगल्स निकल के आया वह 30, 60 एंड 90 जो है हमारा डिफरेंस निकल, ये 30, 60, 90 क्या है, हमारा एपी के अंदर है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन निकल बनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में रखा है कि एंगल के, ट्रायंगल के तीनों एंगल का साइड जो है वह, तीनों एंगल का जो सम है वह, सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल है उसके एंगल जो है वह एपी में दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एपी में है तो ए माइनस डी लिया, क्योंकि थ्री टर्म्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ए माइनस डी, ए ए प्लस डी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एपी में यूज़ करिया, द
The number of degree in the list is to the number of number list is to be number of radian. तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि सम मैंने किया, क्योंकि थ्री एंगल का सम जो होता है वह कितना होता है 180 डिग्री. उससे मैंने क्या फाइंड करी ए. अब मुझे क्या निकालना है डी, जो डी फॉर क्या होता है कॉमन डिफरेंस आर इन ए पी. सो यहाँ पर ए मैंने यहाँ पर क्या किया कि 60 माई ग्रेटेस्ट जो लिस्ट नंबर था मेरा उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करी और देन वी हैव द रेशियो ऑफ द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट. तो यहाँ पर लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट का रेशियो दे रखा है 60 बाय पाई. ओके, तो मैंने इससे क्या किया कि डी की वैल्यू निकाली. अब मुझे एक नया सीरीज मिला कि जो ट्रायंगल वो किस टाइप का है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है बाकी 36 डिग्री. तो ये जो है हमारा क्वेश्चन था, जो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से समझे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक था हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. तो इसको समझने आपको सबको समझने की हमारा जो है वह ज़रूरत है. अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है. अ हॉर्स है, हॉर्स is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping in the rope tight, and describe 88 meter when it has stressed out 72 degree at the center of a point find the length of the rope. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़ा भी आता है सॉल्व करने में. ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, कोई हॉर्स है जिसको मैंने पॉइंट पर बांध रखा है, हैं, और जब वह जब मूव करेगा तो कुछ इस तरह से मूव करेगा, वह यहाँ से टाइड अप है इस पॉइंट पर पी पर. अब कहता है कि हॉर्स टाइड अप अ पोस्ट बाय अ रोप, तो वह कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, यहाँ से ये ए हो गया और ये क्या हो गया इसका बी. तो ये जो पी ए है ये हमारा लेंथ ऑफ द रोप है. सो ले, और ये जो है हमारा ये आर्क है, ए बी जो है हमारा आर्क है, क्योंकि हॉर्स जो मूव करता है वह 88 मीटर ये करता है, मूव करता है. तो और एंगल कितना फॉर्म होता है यहाँ पर 72 डिग्री. ठीक है, ये सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है वो हमारा कितना है 72 डिग्री है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये आर्क का जो लेंथ है, आर्क ऑफ ए बी या हम लोग एम ऑफ ए बी जिसको हम लोग एल बोलते हैं, वो हमारा कितना है 188 मीटर दे रखा है. राइट, और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है.
मैंने एंगल लिख दी, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से क्या कहता है कि रोप मतलब, यानी हमें पूछता है पी ए इजिकल्स टू आर इजिकल्स टू वाट, यानी रोप जो है जिसके सहारे से वो गाय जो हॉर्स है वो मूव करेगा, वह रोप का मतलब हो गया यहाँ पर सेंटर, सेंटर से रेडियस, क्योंकि जहाँ से वह बांधा हुआ है वहीं से तो वह मूव करेगा, तो वह रोप है, तो रोप उसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। रोप क्या हो गई, रेडियस हो गया। तो मैं कहूँगा द पोस्ट ऑफ द पॉइंट, ये जो पोस्ट ऑफ पॉइंट है वह हमारा ए पी हो गया। ए पी की लेंथ मैंने क्या मानूंगा, हाँ यहाँ आर मानूंगा। तो लेट मैं क्या लिखूंगा इसको सॉल्यूशन में, कि लेट लेंथ लेट पी ए लेंथ लेट पोस्ट ऑफ लेंथ ऑफ द रोप इज पी ए इज इक्वल्स टू आर। मैंने इसको मान लिया, पी ए को लेंथ ऑफ द रोप मान लिया। अब मुझे यहाँ से ये बताना है कि हॉर्स मूव्स अलोंग द आर्क, जो हॉर्स मूव करेगा वो आर्क के अलोंग मूव करेगा। तो हॉर्स मूव्स अलोंग द आर्क, मूव्स अलोंग द आर्क। अब आर्क कितना हो गया भाई, 2 पाई। आर्क का लेंथ मुझे पता है, तो आर का लेंथ पता है यानी हमें क्या पता है, ये ए बी पता है। ए बी इजिकल्स टू हमारा क्या है, 88 मीटर है। तो ये जो हमारा आर्क पता है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि, और एंगल दे रखा है, एंगल ए पी बी इजिकल्स टू 72, यानी एंगल दे रखा है, आर्क दे रखा है। तो मैं इसे क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग को आराम से रेडियस निकल जाएगा, है ना, आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 72 × π/180 यही होगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ से 18 × 72 और 8 से मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो क्या आ गया, 2π/5 रेडियन हमारा आ गया, 2π/5 रेडियन आ गया। अब जब रेडियन आ गया और यहाँ पर आर्क दे रखा है, यानी L हमारा कितना दे रखा है, 88 मीटर, तो L इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं L/R होता है, और मुझे पता है कि थीटा अपॉन L इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं लिखूँगा, R इज इक्वल्स टू L/थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से L कितना है, L हमारा 88 है, थीटा कितना है, 2π, ऊपर चला जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 88/2 × 22 / 7, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 5, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, 88 × 7 × 5/2 × 22, ये कटा, ये इससे कटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1470, यानी जो हमारा रेडियस आया वह हमारा कितना आया, आर जो आया वह हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 70 सेंटीमीटर, इसका सॉरी 70 मीटर जो है इसका लेंथ हो गया। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, यही कहा जा रहा था कि अब बताइए कि रोप का लेंथ क्या है। तो सिंपल है कि जहाँ से मैंने हॉर्स को बांधा और वह इसके बाद इसी लेंथ में, अगर ये रेडियस है यहीं से तो चारों तरफ मूव करेगा, तो गाय जो हॉर्स है वह सिर्फ इस आर्क के अलोंग मूव कर रही है, मतलब इतना ही हमें वो मूव कर रहा है, जिसका लेंथ वो है टोटल 88 मीटर, यानी आपका आर्क दे रखा है, आर्क का जो लेंथ है वो दे रखा है और 72 डिग्री दे रखा है। उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, फिर उसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करके आराम से उसकी रेडियस फाइंड कर ली। तो ये हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए, एंड और चाहे तो वो मेहनत उस पर करके
और इम्प्रूव आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये फिर से मैं एक बार रिविज़न मैं बता देना चाहता हूँ कि एक हॉर्स है, घोर्स एक पॉइंट पर बांधा गया है जो उस आर्क में मूव करता है, यानी 88 मीटर आर्क पर वो क्या कर रहा है, उसकी आर्क की जो लेंथ वह 88 मीटर है, और वह मूव जो करता है उसका मूव का जो एंगल है वह 72 डिग्री फॉर्म करता है, तब ये कहता है कि आप रेडियस फाइंड कीजिए। तो रेडियस हम लोग ईजिली जो है वह फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो हम लोगों को फार्मूला यूज़ किए और उससे हम लोगों ने क्या किया कि एंगल फाइंड कर लिए, रेडियस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि सर्कुलर वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू टाई along the circumference of a hoop whose radius is 120 centimeter, find the degree, the angle which subtended at the subtended at the center of the hoop। तो यह चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस रेडियस दे रखा है, यानी आपको जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कुलर वायर की वो है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द हुप आपको दे रखा है उसकी रेडियस है। अब उसको क्या करना है, बेंट करना है, और उस पर कितने एंगल से वह बेंट करेगा उसका हमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि सर्कुलर की यहाँ पर जो हमारे पास है गैप, गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द, ये है कि सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि सर्कुलर वायर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर इज गिवन, ओके। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर ये हमारा दिया हुआ है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, है ना, क्योंकि उसी के अराउंड तो मुझे मूव करना है, मतलब निकालना है, तो इसका मैं लिखा सकता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर वायर क्या हो जाएगा, 2π r इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 × 7.5। ये हमारा टोटल को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 ×
7.5 इंटू पाई इक्वल्स टू 15 पाई, ये आपका निकल गया। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियस ऑफ द हुप गिवन है, तो यहाँ से रेडियस ऑफ द हुप इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब हमें लिखना है, क्या निकालना है, थीटा। तो लिख थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय, क्या होगा, थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय, थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, सबटेंडेड बाय द वायर, सबटेंडेड बाय द वायर। ये जो वायर से सबटेंडेड होता है, वायर एट द सेंटर ऑफ द हुप, एट द सेंटर ऑफ द हुप, राइट। अगर हुप है और हमें वायर का अगर सरकमफ्रेंस पता है, अब उसको क्या करना है, हुप का रेडियस दे रखा है, एंगल किस एंगल से वह सबटेंड करेगा हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय क्या होता है, रेडियस है, और यहाँ पर आर्क जो होगा वह 15 पाई होगा, ठीक है, आर्क क्या होगा, 15 पाई होगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, आर्क इसका 15 पाई है और रेडियस इसका कितना है, रेडियस आपका 120 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 आर्क इसका दे रखा है 120, फिफ्टीन पाई को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 15 बाय इंटू 180 पाई, तो मैं इसका यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 बाय ये आर को वो 120 हो गया, इसका उस टू मुझे दे रखा है, एंगल इज ऑलरेडी गिवन, हाँ पाई बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 पाई तो हो जाएगा पाई बाई 8, पाई बाई 8 रेडियन ये हो जाएगा। मैंने इसको काटा, ये आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाई 8 इंटू हो जाएगा, इसकी अगर एंगल निकालूंगा तो 180 बाय पाई, ये कटेगा 4 से कट सकता है 45, 4 से 2, राइट। तो थीटा इज इक्वल्स टू 22 हाफ डिग्री, ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी करेंगे। यही हमारा कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टेड भी है कि द मून इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। कि मैं लिखता हूँ कि द मून इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर सेकेंड, ये होगा किलोमीटर सेकेंड, एंड इट्स डायमीटर क्या हो जाएगा, एंड डायमीटर सबटेंडेड बाय एन एंगल
subtended by an angle, subtended by an angle of 31 minutes at the age, at the age of the observer, find the diameter of the moon. ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा ये सन है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, हैं? तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से वो क्या कर रहा है, दे रख रहा है। तो ए बी जो है वह क्या है, डायमीटर ऑफ द मून, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, और ये हमारा क्या है, मून है। तो डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाता है, मून एंड ई इज द, एंड इसका नाम ई रखते हैं, एंड ई ऑब्जर्वर मान लेते हैं, इज द ऑब्जर्वर। तो अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी इज द, ए बी आर द आर्क, मैं ए बी आर द डायमीटर ऑफ द मून, डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं थीटा निकाल लूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 31 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 31/60 degrees, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट 31/60 × 360, ये हो जाएगा पाई बाय 180। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक, ये इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और रेडियस यहाँ से दे रखा है 360000, ठीक है। तो आर हो गया, एंगल हो गया, क्या निकालना है, डी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, आर्क थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 31/60 × π/180 अपॉन आर्क का लेंथ कितना होगा, 360000, दिस इज योर, और इससे क्या हो जाएगा हमारा, 32 × d = 3247, और ये क्या आ जाएगा मेरा, मिनट, ठीक है, 62 KMS, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मून का फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कल नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, और ईच एंड एवरी थ्योरम के साथ उसके स्टेटमेंट और उसके जेई की क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।